मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में सूरदास के पद काव्य का अभ्यास करेंगे, जिसके कवि का नाम है सूरदास। सूरदास कृष्ण भक्त थे। पहले से ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में अपने पद, उनकी रासलीलाओं के बारे में पद लिखे हैं। यहाँ पर कृष्ण के अनुपम रूप का उन्होंने वर्णन किया है और उनका प्रेम, उनकी भक्ति, जो अनन्य कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति है, उसका वर्णन किया है। तो वह चाहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर और किसी देव के पास या उनकी पूजा अर्चना में नहीं कर सकता, क्योंकि वह मेरे लिए कामधेनु के स्वरूप है। कामधेनु यानी कि स्वर्ग की गाय, जिसमें जो हम इच्छा करते हैं वही हमें देती है। तो भगवान श्री कृष्ण को वह कामधेनु समान मानते हैं। जैसे जहाज पर से उड़कर पंखी कहीं पर भी आकाश में विहार करके वापस जहाज पर ही आता है, उसी तरह सूरदास का मन भी कहीं पर भी घूमता है, फिरता है, अन्य देवों की ओर जाता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, लेकिन बाद में वापस लौटकर कृष्ण के पास ही आता है। तो सबसे पहले हम सूरदास का जो पद है, जिसमें पहले पद में उन्होंने भगवान के प्रति अपनी अनन्य भक्ति दिखाई है, उसके बारे में देखेंगे। दूसरे पद में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के मनोहर रूप का वर्णन किया है। यदि ऐसे मनोहर रूप का एक बार हमें दर्शन हो जाए तो हमें 100 जन्म तक फिर से अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले कवि परिचय लिखो। सूरदास, सबको लिखना है। जन्म सन 1478, जन्म सन 1478, निधन सन 1573। महाकवि सूरदास जी का जन्म, महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था। दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। वे कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अब लिखना नहीं है।
वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय थे। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकती है। आराध्य देव का गुणगान सुर ने किया है। दूसरे पद में श्री कृष्ण का मनोहर वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन यहाँ पर हुआ है। तो सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं के कई पद लिखे हैं, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अनुपम रूप का वर्णन किया है। गोपियों और गोवालों के साथ साथ जो उन्होंने रासलीला की है उसका भी वर्णन किया है। तो सूरदास जी ने श्रीनाथ जी के मंदिर में बैठकर किसकी प्रेरणा से रचनाएं की है? उनके गुरु वल्लभाचार्य की प्रेरणा से उन्होंने रचनाएं की है। यहाँ पर जो पहला पद दिया है उसमें भगवान के प्रति उनका अनन्य भक्ति भाव है, विनय तथा भक्ति भाव यहाँ पर वर्ण दिया गया है। कवि कहते हैं कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरा मन अन्य कहीं पर भी सुख नहीं पाता। मेरा मन अन्य कहीं पर भी सुख नहीं पाता मतलब अन्य देव की पूजा अर्चना में कहीं पर भी उनका मन लगता नहीं है, मन को सुख शांति नहीं मिलती। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, जैसे जहाज का पंछी उड़कर पूरे दिन इधर उधर घूमकर वापस शाम होने पर जहाज पर ही लौटता है, उसी तरह उनका मन भी वहाँ कृष्ण की कृष्ण पर ही आकर बैठता है। तो वह अपने आप को जहाज का पंखी मानते हैं और भगवान को जहाज के स्वरूप में देखते हैं। कमल नयन की छोड़ महातम, कमल नयन यानी कि कमल जैसे बड़े बड़े नयन वाले कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे। और कोई देव को क्यों वो चाहे और देव के पास क्यों जाए। कमल जैसे नयन वाले मधुर नयन वाले भगवान श्री कृष्ण के महात्मा को छोड़कर अन्य देव के पास वह किस लिए जाए। परम गंगा को छाड़ी पियासो दूरमति कूप खनावे, यानी कि अन्य देव के पास जाने का मतलब है कमल जैसे नयन वाले भगवान श्री कृष्ण के महात्मा को छोड़कर अन्य देव के पास जाने का मतलब है प्यासा व्यक्ति कुएं के पास प्यासे व्यक्ति के पास गंगा जल होने के बावजूद भी वह कुआं खुदवाने की मूर्खाई करता है। पास गंगा जल है तो उससे ही अपनी प्यास बुझानी चाहिए, कुआं खुदवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो कुआं खुदवाता है वह व्यक्ति कैसा है? मूर्ख है। तो जो कृष्ण को छोड़कर अन्य देव के पास जाता है वह व्यक्ति भी ऐसे मूर्ख के समान ही है। परम गंगा को छाड़ी पियासो, पियासो एटले प्यासा, पियासो दूरमति कूप खनावे, जो कुआ खुदवाता है ऐसे मूर्ख के समान है। जिही मधुकर अंबुज रस चाख्यो, अंबुज रस यानी कमल का रस, अंबुज रस यानी कमल का रस। जिस मधुकर एटले भवरा, जिस भवरे ने मधुकर कमल का रस चख लिया हो, यहाँ पर स्वयं क्या है? भवरा है। और कमल रस कौन है? अंबुज रस कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रूपी, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रूपी अंबुज रस जिसने चख लिया हो, जिसने पिया हो, क्यों करेल फल भावे, उसे करेल का कड़वा रस क्यों अच्छा लगेगा। यानी कि अन्य देवों की भक्ति को वह करेल रस के कड़वाई के समान बताते हैं। तो जिस भवरे ने
जिस भंवरे ने भगवान श्री कृष्ण के भक्ति रूपी अंबुज रस को चख लिया है, उसे अन्य देवों की भक्ति का करेले का रस कैसे अच्छा लगेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास के प्रभु कैसे है? कामधेनु समान है। कामधेनु गाय स्वर्ग की गाय है, इच्छित फल देने वाली गाय है। तो सूरदास के प्रभु यानी कि भगवान श्री कृष्ण क्या है? कामधेनु है। तो कामधेनु को छोड़कर छेरी यानी कि बकरी दुहाने कौन जाए? ऐसे इच्छित फल देने वाली गाय को छोड़कर बकरी दुहाने जाने का मतलब है मूर्खता। तो सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी मूर्खता मैं कभी करूँगा नहीं, मेरा मन हमेशा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहता है। तो यहाँ पर पहले पद में कवि ने अपने अनन्य भक्ति, कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का वर्णन किया है। शब्दों के अर्थ लिखो अब अनत। तो दूसरे स्थान पर या अन्यत्र, अनत दूसरे स्थान पर, दूसरा अर्थ है उसका अन्यत्र। यदि समानार्थी पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है? अन्यत्र लिखना है। अनत तो अन्यत्र, पंछी तो उसका समानार्थी शब्द पंखी, पक्षी और विह। पक्षी विह। महातम यानी कि महानता। महानता या महात्म्य। ध्यावै ध्यान करे। छाड़ी छोड़कर। छाड़ी यानी कि छोड़कर। पियासी पियासो मतलब प्यासा। दूरमति खराब बुद्धि वाला। खराब बुद्धि वाला। करीला कंटीली झाड़ी। छेरी यानी कि बकरी। चारु सुंदर। लोचन आँख। मादक यानी कि नशा युक्त। नशा युक्त। हो गया सबका? अनथ यानी कि दूसरे स्थान पर,
या अन्यत्र पंछी यानी कि पक्षी या विहग, महात्म यानी कि महानता और महात्म्य, ध्यावई ध्यान करे, छाड़ी छोड़कर, पियासो यानी कि प्यासा, दूरमती खराब बुद्धि वाला, करीला कंटीली झाड़ी और छेरी यानी कि बकरी, चारू सुंदर, लोचन तो आँख और मादक यानी नशा युक्त। तो यहाँ पर सूरदास अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति व्यक्त करने के लिए अपने आप को क्या क्या बताते हैं। तुम क्या नाम है? हाँ, आप उत्तर दीजिए मुझे कि भगवान को क्या और अपने आप को कवि ने क्या बताया है। मैंने आपको काव्य का इसकी समझूती देते समय बताया था कि स्वयं को क्या मानते हैं और ईश्वर को क्या बताते हैं। खड़े रहो। कवि अपने आप को पंखी और भगवान को जहाज के रूप में देखते हैं, और कवि अपने आप को मधुकर और भगवान को अमृत रस, अपने आप को मधुकर यानी कि भवरा और कमल रस अंबुज रस, भगवान को, भगवान की भक्ति को अंबुज रस मानते हैं। बैठो, यहाँ पर ध्यान रखो। कवि अपने आप को जहाज का पंछी बताते, जहाज का पंछी कहाँ से कहाँ पर, कहाँ से उड़कर कहाँ जाता है, कहाँ वापस आता है। कहाँ पर घूमकर? तो पूरे आकाश में घूमकर वापस शाम होने पर फिर जहाज पर ही आता है। कवि ने भगवान श्री कृष्ण के नयन को कैसा बताया है? भगवान श्री कृष्ण के नयन कैसे है? कवि ने भगवान श्री कृष्ण के नयन को कमल नयन बताया। कमल जैसे उनके नयन है ऐसा बताकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का महात्म्य प्रकट किया है। और देव की पूजा अर्चना करना कवि कैसा मानते हैं? और देव की पूजा अर्चना करना कवि कैसा मानते हैं? कैसा मानते हैं? करील फल मानते हैं, वो तो सही है, लेकिन और भी कुछ उदाहरण उन्होंने दिया है। जैसे और देव की पूजा करना जैसे मूर्खता भरी बात है, जैसे क्या आएगा इसमें? गंगा जल पास होने के बावजूद भी कुआं खुदवाने की बात जो करता है प्यास बुझाने के लिए, वह उदाहरण कवि हमें यहाँ पर देते हैं। जिसने अंबुज रस चख लिया हो उसे क्या अच्छा नहीं लगता? जिसने अंबुज रस पी लिया हो उसको करील रस, करील फल अच्छा नहीं लगता। जिसने अंबुज रस चख लिया हो उसे करील का रस अच्छा नहीं लगता। अंबुज रस किसका प्रतीक है? अंबुज रस काव्य में किसका प्रतीक है? भगवान श्री कृष्ण का। और करील रस अन्य देवों का प्रतीक है। सूरदास के प्रभु कैसे हैं? सूरदास के प्रभु कैसे हैं?
कामधेनु के समान है, जो इच्छा प्रकट की वही पूरी करने वाले स्वर्ग की गाय कामधेनु के समान है। कामधेनु को छोड़कर किसे दुहाने की बात कवि मूर्खता बताते हैं? कामधेनु को छोड़कर किसे दुहाने की बात कवि मूर्खता बताते हैं? छेरी दुहाने की बात कवि मूर्खता बताते हैं। तो पहले काव्य में आप सबको समझ आ गया? आप पहले काव्य में से ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बनाकर काव्य को विस्तृत रूप से समझ पा सकते, यानी कि कोई भी इकाई हो इसमें से आपको ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बनाते हैं तो पूरा विषय वस्तु आपके मन में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और अच्छे से आप उसे समझ पाएंगे। चाहे किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाए, एक वाक्य में हो, दो वाक्य में हो या पूरा काव्य का सार, तो भी आप आसानी से उसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार आप हम देख लेते कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं पाता, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जिस तरह जहाज का पंछी उड़कर वापस जहाज पर आता है, उसी तरह मेरा मन भी अन्य भगवान श्री कृष्ण की पूजा को छोड़कर अन्य देवों की पूजा करने के लिए जाता है, लेकिन फिर भी वापस भगवान श्री कृष्ण के पास ही आता है। कमल नयन की छाड़ी महात्म और देव क्यों दावे, कमल नयन वाले श्री कृष्ण के महात्म्य को छोड़कर अन्य देवों के पास मैं क्यों जाऊँ या उनके पीछे क्यों दौड़ूँ। परम गंगा को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावई। दुष्ट बुद्धि वाला जिस तरह, मूर्ख व्यक्ति जिस तरह गंगा जल पास होने के बावजूद भी कुआं खुदवाने की मूर्खता भरी बात करता है, वैसा ही होगा जैसे कमल नयन को छोड़कर अन्य देवों के पास जाना। परम गंगा को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावई, जिही मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करी फल भावी। जिस मधुकर ने, यानी कि जिस भक्त ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रूपी अंबुज का रस चख लिया हो, उसे अन्य देवों रूप की भक्ति रूपी करिल रस कभी भी अच्छा लगेगा नहीं। सूरदास के प्रभु कामधेनु है तो ऐसी कामधेनु को छोड़कर छेरी दुहाने की बात करना मूर्खता भरी बात है, ऐसा कवि ने यहाँ पर बताया है। तो आज हमने जो पहला काव्य देखा उसके आधार पर आपको मैंने जैसे आपको प्रश्न पूछे उसी तरह आपको 5-6 प्रश्न उसमें से बनाने हैं। दूसरा पद हम बाद में देखेंगे। ओके, थैंक यू।